क्रिस हेम्सवर्थ अपने थोर भैया, मूवी इनकी आई है दी एक्सट्रैक्शन 2, और दी एक्सट्रैक्शन 1 के बाद ये फिल्म अभी रिलीज हुई है और धमाका कर दिया है। यकीन करें आप सोचने पर ये मजबूर हो जाएंगे दी एक्सपेंडेबल ज़्यादा अच्छी थी या ये ज़्यादा अच्छी है। फिल्म मैंने देखी है, उड़ा के रख दी है सबको, बहुत ज़बरदस्त फिल्म बनाई है और क्या कमाल का काम किया है। शॉर्ट लोगों की टीम है, 3 लोगों की टीम है जिसमें एक लड़की है, एक दुबला पतला सा लड़का है और अपने थोर भैया हैं, और क्या कमाल का काम किया है, ऐसा एक्शन क्रिएट किया है कि आपको देख के बहुत मज़ा आएगा। फिल्म का एक्शन आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको द रेड 2 जो मूवी आई थी, जेल में जो एक्शन होता है उसकी थोड़ी सी याद आ जाएगी आपको। तो इन्होंने भी थोड़ा सा हार्ड कोर एक्शन क्रिएट करना शुरू कर दिया है जिसमें ज़्यादा ब्लड शेड दिखाया जाता है, हार्ड कोर थोड़ा सा एक्शन है जिसे रेड बैंड कहा जाता है। यानी इस बार जो हीरो का मिशन है वो एक फैमिली को बचाना है, एक बच्चा, एक बच्ची और एक लड़की है जिसको उसके हस्बैंड से बचाना है, और ये एक बहुत बड़ा टेररिस्ट ग्रुप है जो कि दूसरी कंट्री में है और वहाँ से इस फैमिली को सेफली लेके आना है। तो फिल्म की स्टोरी इसी के ऊपर घूम रही है कि कैसे सेफली उस पूरी फैमिली को जो है वो अपनी कंट्री तक वापस लेके आना है। यानी हीरो पिछले पार्ट में भी एक बच्चे को बचाते बचाते बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो जाता है, मर जाता है तकरीबन, और फिर जो है इस पार्ट में दिखाते हैं कि वो रिकवर करता है, बच जाता है और दोबारा उसको मिशन मिलता है और मिशन लेना नहीं चाहता, लेकिन उसकी जो एक्स वाइफ होती हैं वो अपनी बहन को बचाने के लिए अपने हस्बैंड को भेजती हैं दूसरी कंट्री में। तो टोटल ये 3 लोगों की टीम होती है और बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे एक्सपेंडेबल्स में वो एक प्राइवेट ग्रुप होता है जिसको मिशन मिलता है, सरकारी काम होता है लेकिन वो अंडरकवर रह के करते हैं। तो ये भी वैसी ही कुछ स्टोरी है, लेकिन ये 3 लोगों की टीम कमाल की टीम है, ऐसा एक्शन क्रिएट किया है जो देखने लायक है। ज़रूर मैं आपको रेकमेंड करूँगा ये फिल्म देखें। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता है।